मॉर्निंग। अपन कल बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट्स के बारे में, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ऑपकोड, दूसरा मोड और तीसरा एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है ना। तो अपनी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, ऑपकोड, मोड, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कल अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये अपन प्रीवियस यूनिट्स के अंदर दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन कोड मतलब कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन को अपन ने लॉजिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दूसरा वाला पार्ट है मोड, मोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, मतलब इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा था एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। अब यहां पर जब हमारी इंस्ट्रक्शन आती है तो जरूर नहीं है कि वो एक ही ऑपरेंड का एड्रेस लेकर के आए, वो मल्टीपल एड्रेसेस को भी लेकर के आ सकती है, ठीक है। तो अपन ने कल देखा था थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी थी कि तीन एड्रेसेस कैसे लेकर के आ रहा है। इसके बाद अपन ने बात करी थी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रही है तो अपने साथ वो दो ऑपरेंड्स के एड्रेस को लेकर के आ रही है। फिर अपन ने बात करी थी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। अब आज अपन बात कर रहे हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ऑपरेंड का एक एड्रेस आता है और जो वो ऑपरेंड है आपका उसकी वैल्यू जो स्टोर होती है वो एक्यूमुलेटर के अंदर होती है। तो वहां पर अपन को वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर एक्यूमुलेटर की जरूरत थी। यहां पर ऐसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमको स्टैक की जरूरत पड़ेगी। स्टैक अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है अपन ने, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज स्टैक। स्टैक जो है एक ऐसी मेमोरी, हमारे पास ऐसा स्टोरेज है जिसके अंदर कि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। मतलब ये हमारे पास स्टैक है, इस स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू सबसे आखिरी में जाएगी वो सबसे पहले निकलेगी, ठीक है। अब अपना जो कल का एग्जाम्पल था x इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस डी, ये अपन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करा है अपन ने, पहले थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा था अपन ने, फिर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा था, फिर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा था। आज अपन बात कर रहे हैं जीरो एड्रेस। तो जीरो एड्रेस में पहले अपन स्टैक पे देख लें कि स्टैक पे ये कैसे वर्क परफॉर्म होगा। सबसे पहले अगर हमको इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो ए और बी के बीच में जो ऑपरेटर है इसको अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सी और डी के बीच में जो ऑपरेटर है इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसके बाद ये ऑपरेटर है अपने पास मल्टीप्लीकेशन का, अपन फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है और इस स्टैक के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुश कर देंगे, पुश ए। तो जो ए वैल्यू है हमारी वो हमारे स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी और हमारा जो टॉप है, टॉप ऑफ स्टैक, हम टीओसी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा। नेक्स्ट ए ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बी वैल्यू है और हम बी वैल्यू को फिर से पुश कर देंगे इसके अंदर, तो बी की वैल्यू कहां आ जाएगी, इस ए के ऊपर आ जाएगी। तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए आप कि हमको a प्लस बी मतलब एडिशन करना है a और b का, a और b दोनों की वैल्यू हम स्टैक के अंदर ले चुके हैं। अब सिर्फ हमको यहां पे क्या लिखना है, एड। जैसे हम एड लिखेंगे और इसके आगे हम कोई वेरिएबल नहीं दे रहे, कोई हम एड्रेस नहीं दे रहे, ठीक है ना। जैसे हमने एड लिखा
तो एड में क्या होगा कि टॉप जो आपके स्टैक है उसकी टॉप की दोनों वैल्यू यहां से पॉप हो जाएंगी और दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर के फिर से इसके अंदर पुश हो जाएंगी। मतलब यहां पर ए प्लस बी ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आपने यहां पर ऐड इंस्ट्रक्शन दी है, ऐड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि इसके स्टैक के अंदर जो ऊपर की टॉप की दो वैल्यूज है, सिर्फ ओनली टू वैल्यूज, अगर मान ली नीचे और भी वैल्यूज होती तो सिर्फ दो वैल्यूज ही आपकी पॉप होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर के फिर से टॉप के ऊपर पुश हो जाएंगी, मतलब आपकी टॉप की पोजीशन ही आ जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये सेकंड वाले पार्ट को करना है, सेकंड वाले पार्ट के लिए ए प्लस बी ऑलरेडी वाली वैल्यू हमारे पास है, ये अपन वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी एक्चुअल में ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना, तभी तो ये जीरो एड्रेस होगा क्योंकि हम एड्रेस नहीं दे रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, बट केवल यहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ए और बी को यूज कर रहे हैं। अब ए और बी ऑलरेडी है हमारे पास, अब क्या करना है, अपन सी और डी को प्रोसेस करना है, तो सी डी को प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे अपन, पुश सी, तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू सी, तो आपका टॉप ऑफ स्टैक उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई आपकी सी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे अपन, अपने पास ऑलरेडी ए प्लस बी की वैल्यू नीचे स्टोर है और ऊपर क्या आ गया सी आ गया, अब हमको क्या चाहिए, एक और ऑपरेंड चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तब क्या करेंगे पुश डी, मतलब डी की वैल्यू यहां पर आ गई और आपका टॉप ऑफ स्टैक ये हो गया। अब हमको इन दोनों क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया है क्या सिंबल लिखोगे आप, ऑपरेशन ए प्लस बी ऑलरेडी है हमारे पास, जैसे ही यहां पर आप ऐड लिखोगे, बस आपको ऐड लिखना है, जैसे लिखोगे तो जो भी आपका गिवन स्टैक है उसकी ये दोनों वैल्यू यहां से पॉप होंगी, पॉप होने के बाद दोनों ऐड होंगी, ऐड होने के बाद फिर से पुश हो जाएंगी, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास सी प्लस डी की। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू स्टैक के इधर है, नीचे वाली पोजीशन पर है, और सी प्लस डी हमारे पास ये टॉप पोजीशन पर, टॉप ऑफ स्टैक। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये हमारी जो वैल्यू मिल गई है और ये वाली वैल्यू हमारी मिल गई, इन दोनों क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए टॉप पोजीशन पर C प्लस D की वैल्यू है, A प्लस B की वैल्यू है, तो मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं कि अब क्या लिखना पड़ेगा अपन। देखिए जैसे मैं यहां पर लिखता हूं मल, मल मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या काम होगा आपका, यहां पर जो दो वैल्यूज हैं ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये दोनों का पॉप होंगी, मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर से यहां पर पुश हो जाएगी, मतलब यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज आ गई आपके पास, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं इसको, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस डी, क्लियर है, स्टैक में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और आपका टीओसी ये हो गया, क्लियर है। एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पर हमको इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक सॉल्व करना है, स्टैक की सहायता से सॉल्व करना है, और स्टैक अपन पहले पढ़ चुके हैं, स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है स्टैक का, स्टैक को अपन मेमोरी की तरह यूज करते हैं, मेमोरी लोकेशन की तरह यूज करते हैं, किस टाइप की होती है, जिसके अंदर की लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी होती है। ये अपन दो तरीके से कंप्यूटर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहो तो आप रैम ले लो, रैम के अंदर प्राइमरी मेमोरी के अंदर आप स्टैक बना सकते हो, या फिर एक आप अलग से स्टैक की डिवाइस लगा सकते हो, मेमोरी डिवाइस लगा सकते हो, तो दोनों तरीके इसको आपको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अपन जो समझ रहे हैं अभी कि रैम के अंदर ही हमने एक स्टैक बना लिया है, तो उसका देखिए आप लॉजिकल अगर डायग्राम बनेगा उस तरह से बनेगा,
ये अपने पास मान लीजिए रैम है, प्राइमरी मेमोरी है, तो इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। यहां पर आपका ओएस आ गया, यहां पर कुछ आपके प्रोग्राम्स आ गए, और यहां पर आप इतने पोर्शन में स्टैक यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो हर एक सेल होता है वो आप ऐसी मेमोरी लोकेशन की तरह यूज कर सकते हो, और इसका भी टॉप जो है वो यहां से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा आपका, या ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है, जैसा आपको प्रोविजन रखना है वैसा प्रोविजन रख सकते हैं। तो आपकी जो रैम है उस रैम के अंदर भी आप इस मेमोरी को मेंटेन कर सकते हैं। अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे ए को पुश कर दिया, फिर इसके बाद हमने बी को पुश कर दिया, फिर जैसे हमने एड ऑपरेशन लिखा, एड ऑपरेशन से क्या होगा, ए और बी की दोनों की वैल्यू पॉप होंगी, दोनों एड हो जाएंगी, एड होने के बाद फिर से जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, सी को पुश करवाएंगे, फिर डी को पुश करवाएंगे, और जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो टॉप की जो दो वैल्यूज हैं वो दोनों पॉप होंगी, पॉप होने के बाद दोनों वैल्यू का जो सम आएगा वो कहां पर, इसके स्टैक टॉप के ऊपर स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू है सी प्लस डी की और ये वैल्यू है ए प्लस बी की। जैसे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑपरेशन लिखेंगे मल, तो क्या होगा, इन दोनों का जो टॉप की जो दोनों वैल्यूज है ये दोनों दोनों पॉप होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और स्टोर हो जाएगा स्टैक के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस अपन ने समझी डायग्राम के साथ कि स्टैक में कैसे होता है। बट इसी को अगर हम प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिख दें वो अपन देखते हैं। अब 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 0 एड्रेस क्या होगा, पुश ए, मतलब क्या हुआ आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है उसके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ऐसी अपन ने करा पुश बी, मतलब टॉप ऑफ स्टैक के पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की आ गई। फिर क्या करेंगे अपन, एड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक उसके पास आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, पुश सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, टॉप ऑफ स्टैक में सी की वैल्यू आ जाएगी। पुश डी करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक पे काई की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू। फिर करेंगे अपन ऐड, तो ऐड में टॉप ऑफ स्टैक के पास क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन तो टॉप ऑफ स्टैक के पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टॉप ऑफ स्टैक के पास आ गया है। अब यहां पर हम कर देंगे पॉप एक्स, मतलब हमारी ये जो वैल्यू है ये उठकर कहां चली जाएगी, मेमोरी लोकेशन में चली जाएगी जहां पर कि हमको स्टोर करना है। मैंने आपको कल भी सिंबल समझाया था, एक्स जो है ये हमारी मेमोरी कोई सी लोकेशन है, ठीक है ना, जहां पर कि हमको वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, तो इसको अपन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एम ऑफ एक्स। और जैसे ही आप ये लिखोगे आपका स्टैक जो है वो खाली हो जाएगा, अब स्टैक को आप किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए ये हमारे क्या हो गए, 0 एड्रेस कोड हो गए। यहां पर हम कहीं पर भी किसी का एड्रेस नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्शन है ये वाला, ये कि हम लोड कर रहे हैं उस वैल्यू को, बट ये पूरे ऑपरेशन के अंदर कहीं पर भी अपन एड्रेस पास नहीं कर रहे हैं, ये सब वैल्यूज है। और हमने सिर्फ लिखा पुश ए, वैल्यू दी है, तो ऑटोमेटिकली कहां पर जाएगा वो, स्टैक में जाके स्टोर होगा। ये हमने लिखा पुश भी, मतलब स्टैक के अंदर जाएगा, उसके टॉप पोजिशन पर, जहां पर भी हमको टॉप पोजिशन होगी उसके ऊपर जाकर के वो स्टोर होता है। बाकी आपको पता है कि स्टैक की प्रॉपर्टीज क्या है, अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके एल्गोरिथम देख चुके हैं अपन, तो मेरे ख्याल से शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं गई होगी। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम जाए तो आप मुझसे
चैटिंग के थ्रू या फेसबुक के ऊपर या पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपन ने इस पूरे इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर ये समझा कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ये अपने पास एक एड्रेस के साथ भी आ सकता है, दो एड्रेस के साथ भी आ सकता है, तीन एड्रेस के साथ भी आ सकता है, या फिर जीरो एड्रेस मतलब वैल्यू के साथ भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर कोई सी वैल्यू भी हो सकती है आपकी, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर लिखा है पुश ए, तो पुश ए के केस में क्या होगा, ऑपरेशन कोड क्या होगा आपका पुश, ठीक है, और एड्रेस क्या होगा, एड्रेस की जगह पर क्या वैल्यू होगी, मान लीजिए ए इज इक्वल टू टू है तो यहां पर क्या होगा टू आएगा और मोड आपका डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, और हो सकता है कि अगर आपके पुश एंड पॉप के अंदर मोड की अगर जरूरत नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो है आपका पोर्शन ये वैल्यू के लिए यूज हो जाए, मतलब आपके नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपका सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इन इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। तो किसी किसी कंप्यूटर के अंदर जीरो एड्रेस यूज कर सकते हो आप, कभी आप टू एड्रेस कर सकते हो, कभी थ्री एड्रेस कर सकते हो, या फिर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा आपके सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसा आपका सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन आप रखोगे उस तरह की आप इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा सूटेबल लगती है इंस्ट्रक्शन आप वाली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो इंस्ट्रक्शन है ये वाली, इन इंस्ट्रक्शन को जब यूज कर रहे हैं तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं कंप्यूटर के, बेसिकली हम यहाँ कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको डिजाइनिंग के लिए हम हार्डवेयर क्या लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो कैसे हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होंगी, अपन यहाँ पे ये चीज सीख रहे हैं। तो हमको जो इंस्ट्रक्शंस लेनी है किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए वो मिनिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स बनते थे उसके अंदर जो था कि बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की इंस्ट्रक्शंस लेते थे। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लूं, अगर जैसे मैंने लिखा एड और यहां लिख दिया आर वन या सॉरी एक्स कॉमा ए कॉमा डी, अब यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करवा रहा हूं एक्स लोकेशन के ऊपर ऐड करवा रहा हूं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को मैं ऐसा भी लिख सकता था एड R1, R2, R3, ठीक है। अब मैं अगर R1 प्लस R2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं CPU के रजिस्टर का एड्रेस दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने A और B दिया, मतलब क्या हुआ, मैंने मेमोरी का एड्रेस दिया है, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताइए कि हमारा जब डेटा फैच होता है या डेटा स्टोर होता है वो टाइम जो है मेमोरी में ज्यादा लेता है या रजिस्टर में ज्यादा लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया रजिस्टर हमारी फास्ट मेमोरी होती है, इसके अंदर हम फास्टली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के पास होती है, ठीक है ना। ये सीपीयू के पास होते हैं जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, और आपकी मेमोरी जो होती है वो अलग सेपरेट होती है, ठीक है ना, जिसको कि आप रैम बोल रहे हो। तो सीपीयू को कोई भी डेटा यहां से उठ करके लाना है, मतलब हम यहां पर दे रहे हैं एड एक्स ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू उठ करके यहां से आ रही है, बी की वैल्यू यहां से उठ करके आ रही है, फिर उसको वो कंपाइल कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है, ऐड के बाद एक्स लोकेशन पे जाकर के उसको सेव कर रहा है, मतलब ए से लेके आ रहा है, बी लोकेशन से लेके आ रहा है और एक्स पे जाके स्टोर कर रहा है। तो हर बार उसको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है तो जब मेमोरी को बार बार एक्सेस करना पड़ेगा तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो बेटर क्या है कि हम इनको कहां ले लें, रजिस्टर में स्टोर करवा लें, और रजिस्टर में स्टोर करवाने के बाद फिर हम इंस्ट्रक्शंस को लिखें, तो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है फास्ट एग्जीक्यूट होगी। ये वाली इंस्ट्रक्शन में टाइम ज्यादा लगेगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम बहुत कम लगेगा कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। इसलिए हम प्रेफर क्या करते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन हो वो फास्ट हो, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, ये सिंबल ना यूज करके हम ये यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको डेटा तो इसके अंदर लाना पड़ेगा ना, स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोड और स्टोर दो ऑपरेशंस यूज करते हैं कि पहले हम जितना भी डेटा है उठा करके ले आए सीपीयू के पास, फिर उनका जो भी कुछ मैनिपुलेशंस करना है, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो कर ले, और उसके बाद जाकर के हम स्टोर कर दे। तो सिर्फ हमको मेमोरी को सिर्फ दो बार एक्सेस करना पड़ेगा, एक बार डेटा उठाने के लिए और एक बार उसको स्टोर करने के लिए।
नहीं तो क्या होगा, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो सबके लिए आपको जा जा करके मान लीजिए ए को थ्री टाइम्स यहाँ पर यूज कर रहे हो आप, मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाय ए कर रहे हो या डिवाइड बाय बी कर रहे हो, तो हर बार आपको ए और बी को कहां से उठा के लाना पड़ेगा, रैम से लेकर के आना पड़ेगा। तो जितनी बार भी आपकी रिडंडेंसी हो रही है उतनी बार आप मेमोरी से उसको एक्सेस कर रहे हो और आपका टाइम बढ़ रहा है। अगर यहां पर मान लीजिए 1 नैनोसेकंड लग रहा है तो हो सकता है यहां पर 100 नैनोसेकंड लगे आपको टाइम, तो इतना डिफरेंस टाइम डिफरेंस आएगा आपके पास। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारी इंस्ट्रक्शन कैसी यूज करेंगे, हम छोटी यूज करेंगे या ऐसी यूज करेंगे जिसके अंदर की हमारा टाइम कम लगे, तो उसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, जिसको कि रिस्क बोलते हैं। रिस्क ठीक है ना। और एक होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इसको अपन सिस्क बोलते हैं। ये अपने लिए कॉम्प्लेक्स हो गई है और ये अपने लिए रिड्यूस हो गई है ठीक है ना। तो ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको मैंने शॉर्ट में समझाया यहां पर कि इसको हम कॉम्प्लेक्स ना रख करके हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस फॉर्म में रखेंगे ठीक है ना, कि हम डेटा सिर्फ एक बार उठा करके ले आए और वहीं पर ही उसको मैनिपुलेट करके और देन फिर अपन डेटा को स्टोर कर देंगे। तो जो कम से कम मिनिमम हम मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो हमारा मैक्सिमम टाइम बचेगा ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे अपन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन और ये अपनी क्या हुई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हुई ठीक है ना। तो ये दोनों आपके नेक्स्ट टॉपिक थे जो कि मैंने इसके अंदर कवर करे हैं। और अब ये देखिए कि मैंने ये बोला है आपसे कि मिनिमम से मिनिमम मेमोरी यूज करना है आपको ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट एक प्रोग्राम लिख करके बताऊंगा छोटा सा काय का, इसी का ही इसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, और कल अपन देखेंगे कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ये कैसे बना रहा है ठीक है ना। बाकी आपको जो भी कोई क्वेश्चन है या आपको डाउट्स है वो आप उससे पूछ सकते हैं ठीक है। तो अपन ने आज जो टॉपिक खत्म करा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट खत्म करा है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स या इसकी जो आप कह सकते हैं कि स्पेसेस हैं या कहना चाहिए कि जो आपके मल्टीपल एड्रेसेस इसके साथ आ सकते हैं, अपन ने उसके बारे में बात करी थी। 3 एड्रेस भी आ सकते हैं, 2 एड्रेस भी आ सकता है, 1 एड्रेस भी आ सकता है, 0 एड्रेस भी आ सकता है। 0 एड्रेस मतलब कि यहाँ पर कोई वैल्यू भी आ सकती है ठीक है ना। इस फॉर्मेट के बारे में अपन ने डिस्कस करा है, ये टॉपिक आज यहीं पर ही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट अपन जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, इसी एग्जांपल को लेकर के चलूंगा मैं, इसी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि इसके लिए रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे ठीक है।